लेनोवो ने हाल ही में अपने K9 और A5 स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च करे हैं, यानी आपका लेनोवो फिर से इंडिया में स्मार्टफोन्स लॉन्च करने लगी है। पर बात करें लेनोवो के लेटेस्ट लॉन्च की, लेनोवो S5 प्रो, लेनोवो K5 प्रो, लेनोवो K5S, आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। और बात करें अपने मेन मुद्दे ने लेनोवो S5 प्रो की, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, और इसके अलावा बात करें प्राइसिंग, तो उससे भी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो आज के देखें क्या कुछ देखने को मिलता है फोन के अंदर, आपका ग्लोबल लॉन्च अभी कन्फर्म हुआ है कि नहीं, इंडिया में आएगा कि नहीं, और आपकी प्राइसिंग क्या रखी जाएगी, और आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो क्या ब्रांड टाइम पास करें जल्दी से स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। 6.2 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, IPS डिस्प्ले है, फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ नॉइस देखने को मिल जाती है, यहाँ पर मेटल बॉडी देखने को मिलती है, 170 ग्राम्स यहाँ पर वेट है। उसके अलावा फोन यहाँ पर पतला भी देखने को मिलता है, 7.7 मिलीमीटर मोटा। उसके अलावा बात करें बैटरी की, तो 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है, USB-C टाइप देखने को मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर एक अच्छी चीज आपको बता दूं, स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। उसके अलावा बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की, तो 2 कैमरा देखने को मिलते हैं पीछे की तरफ, पहला आपका 12 मेगापिक्सल का F1.8 एपर्चर के साथ, और उसके अलावा जो सेकेंडरी कैमरा है उसमें 20 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है F2.6 एपर्चर के साथ। और दूसरा कैमरा आपको बता दूं 2x ऑप्टिकल जूम के काम आएगा, यानी जब आप जूम करोगे तो आपकी क्वालिटी बिना फटे आपकी जूम कर दिया जाएगा कैमरा के द्वारा। और इसके अलावा बता दो 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और बात करें फ्रंट की, यानी नॉच इतनी बड़ी देखने को मिलती है, पर नॉच के अंदर आपको 2 कैमरास देखने को मिलते हैं, पहला आपका 20 मेगापिक्सल और दूसरा आपका 8 मेगापिक्सल, और आपको एपर्चर F2.2 देखने को मिलता है यहाँ पर। और आपको शायद नहीं पता होगा IMX476 यहाँ पर सेंसर देखने को मिलता है 1 micron pixel के साथ। और एक चीज आपको यहाँ पर बता दो, आपको IR3D फेस अनलॉक देखने को मिलता है, यानी कंप्लीट डार्क में आपका फेस अनलॉक काम करेगा इतने बजट के फोन में, जो बहुत ही ज्यादा पर बेहतरीन चीज बन जाती है। और इसके अलावा बाकी चीजों की अगर बात करें, तो हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, SD कार्ड यहाँ पर आप लगा सकते हैं, 3.5 mm जैक भी हटाया नहीं गया है, डुअल बैंड वाईफाई यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, यानी लेटेस्ट है। उसके बाद कर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, सेंसर्स वगैरह जितने भी होते हैं फोन के अंदर, जायरोस्कोप वगैरह सब देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद के लिए फोन की बाकी चीजों की, तो शायद आपको अच्छी नहीं लग सकती है, यहाँ पर आपको ZUI देखने को मिलता है लेनोवो अपना, यहाँ पर कुछ बेहतरीन देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा बात करें स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिलता है यहाँ पर, प्रोसेसर आपका बुरा नहीं है, पर जब से आपका रियलमी 2 प्रो आया है स्नैपड्रैगन 660 के साथ, तो आपका स्नैपड्रैगन 636 थोड़ा बुरा लगने लगा है यहाँ पर। और बता दो यहाँ पर दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सेम ही देखने को मिलती है, और आपको अगर नहीं बताया जाता पहचान भी नहीं पाओगे कौन से में कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलता है, पर खैर फिर भी ऑन पेपर थोड़ा सा कमजोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। पर उस चीज की भरपाई करने के लिए यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, 6GB 64GB और 6GB 128GB। और प्राइसिंग की यहाँ पर बात कर लेते हैं कितनी बेहतरीन देखने को मिलती है, तो प्राइसिंग आपको बता देता हूँ, 6GB 64GB वाले वेरिएंट की आपकी प्राइसिंग रखी है लगभग 14,000 रुपए, उसके अलावा 6GB RAM और 128GB इंटरनल मेमोरी की आपकी प्राइसिंग रखी है लगभग 15,000 रुपए, या फिर उससे भी कम यहाँ पर आप लगा कर चलो। और इसके अलावा ग्लोबल लॉन्च तो फिलहाल अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, पर आपका डेफिनेटली इतना बेहतरीन फोन यहाँ पर निकाला लेनोवो ने, और आपका इंडिया में भी फोन लॉन्च करने लगी है, तो आपका डेफिनेटली आएगा इंडिया के अंदर भी। और इसके अलावा लॉन्च करना होगा तो दिसंबर से पहले आपको खबर देखने को मिल जाएगी, नहीं लॉन्च देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपके लगभग 15,000 के आसपास ही रहने वाली है, उससे महंगी यहाँ पर नहीं जाएगी। और इसके अलावा बात करें आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, अगर आप स्नैपड्रैगन 636 से आप ओके हो तो। उसके अलावा अगर कोई भी खबर निकल कर आती है तो कन्फर्मेशन मिली जाएगी, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल याद से दबा देना, इसके लिए लाइक कर देना, ऐसे प्लीज बिना कंजूसी दिखाई इन्फॉर्मेशन के लिए, न्यूज़ के लिए इसके लिए चैनल पर रेगुलर रहो, लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, बाकी वीडियो चैनल पर जाकर देखो, मिलता हूँ।